Good morning class. In today's class, I am going to start with the topic light reaction. In previous class, I have already discussed what is photosynthesis, experiments related to photosynthesis. तो different types of scientists मैंने discuss कर दिए थे, जिसमें Julius von Schepps ने बताया था कि जो chlorophyll है, हमारा green part body है, ये cell organelles में, जिस भी cell organelle में present है, ये photosynthesis में participate कर रहा है. That is chloroplast. अभी बाद में इसे क्लोरोप्लास्ट किया, जिसे ग्रीन कलर बॉडी जूलियस वॉन शेप्स ने जिसे कहा था. फिर इसके बाद कॉर्नीनियस आए और कॉर्नीनियस लील ने बोला कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये इसमें इसमें वाटर है. अभी तक हमें ये नहीं पता चला था कि जो ऑक्सीजन है वो किससे मिल रहा है, और इतना पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली सोर्स फॉर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट. तो इतना पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे ये एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स में. लेकिन ये जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, जो भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं प्लांट, वो वाटर का ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है, ये नहीं पता था. लेकिन वॉन नील ने, कॉर्नीनियस वॉन नील साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा कि जब उन्होंने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो उसने वहाँ पे उन्होंने इस क्योंकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं, ये वाटर यूटिलाइज नहीं करते, ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं इन द इसको रिप्लेस करके इसके प्लेस की जगह इन द प्लेस ऑफ वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं तो उनमें जो रिलीज हो रहा था वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा था, दे रिलीज सल्फर रिलीज कर रहे थे जितने भी सल्फर बैक्टीरिया थे. तो इससे उसके कॉलिनियस के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि जो ऑक्सीजन मिल रहा था वो वाटर मॉलिक्यूल से मिल रहा था. फिर बाद में लाइट रिएक्शन एंड अदर फोटोसिंथेसिस किस में पार्टिसिपेट करते हैं और किस में किन दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है. तो यहाँ पे जिसमें फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है वो रिएक्शंस हैं लाइट रिएक्शन, देन सेकंड इज डार्क रिएक्शन. तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन हो चुका था प्रीवियस क्लास में कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में. इन टुडेस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज लाइट रिएक्शन? तो जो लाइट रिएक्शन होता है इसमें मेनली जो प्रोसेस होती है वो है, सबसे पहले प्रोसेस जो होगी वो जो मेन कंस्टिट्यूएंट, पहले यहाँ पे प्रोसेस बाद में देखेंगे, पहले मेन कंस्टिट्यूएंट देख लेते हैं कि किस किस का फॉर्मेशन होता है. तो जो फॉर्मेशन होता है सबसे पहले वो है फॉस्फोराइलेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन एटीपी का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे एटीपी एंड एनएडीपी एच का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एनएडीपी इज निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन. यहाँ पे एनएडीपी रिड्यूस होके एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ये यूटिलाइज किए जाते हैं फर्दर इन डार्क रिएक्शन फॉर फूड फॉर्मेशन. फूड के फॉर्मेशन के लिए ये दोनों एटीपी और एनएडीपीएच सिंथेसाइज किए जाते हैं इन लाइट रिएक्शन. नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. वाटर की स्प्लिटिंग होती है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच। इसके बाद जो स्प्लिटिंग वाटर की होती है, इससे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होता है जो फर्दर ट्रांसमिट कर दिया जाता है इन डार्क रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि हमारे एक्साइट होते हैं, एक्साइट होकर लाइट एक्साइटमेंट से वो एक्सेप्टर के थ्रू रिसीव किए जाते हैं, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, फिर उन्हें रिसीव किया जाता है अनदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और फिर दे रिसीव बाय अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर फाइनली फॉर्मेशन होता है एनएडीपीएच का। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग के बाद यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल होता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिसीव बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये दो रीजन में होते हैं। फर्स्ट इज फोटोसिस्टम, फर्स्ट एंड सेकेंड इज PS first और PS second different wavelength पे functional होते हैं। जैसे कि PS first 700 nanometer पे wavelength की 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है और इस पे फंक्शनल होता है, वेयर एज पीएस सिस्टम सेकंड 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे फंक्शनल होता है और इससे इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और इस पर ये अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है। तो ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड इसके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग नहीं, इनके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। प्रेजेंट तो पहले सबसे पहले पीएस सेकंड रहता है किसी भी जो लाइट सिस्टम है या लाइट रिएक्शन में, सबसे पहले मेम्ब्रेन में पीएस सेकंड प्रेजेंट होता है, देन फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड यहाँ पे जो क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिस्टम सेकंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और फर्स्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें कौन कौन से क्लोरोफिल्स और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इज क्लोरोफिल ए एंड एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन क्लोरोफिल ए का होता है, लेकिन एसेसरी पिगमेंट्स हाई इंटेंसिटी लाइट वाली लाइट को लो इंटेंसिटी करते हैं या उसकी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। जब डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल से एनर्जी पास होती है या फोटोन पास होते हैं तो उनकी इंटेंसिटी और एनर्जी कम हो जाती है, जिससे इस क्लोरोफिल ए के फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सकता है या सिंपली ब्रेकेज और नॉन फंक्शनल होने से इसको बचाया जाता है क्लोरोफिल ए। तो ये क्लोरोफिल ए चारों तरफ से एसेसरी पिगमेंट्स से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे एक्चुअली में ये सभी प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिस्टम जितने भी ऐसी कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और पिगमेंट मॉलिक्यूल कैसे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज पीएस फर्स्ट हो सकता है, पीएस सेकंड हो सकता है, और इसके इससे लगा हुआ क्लोरोफिल ए, देन इसके चारों तरफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे जो इसे फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, जिससे हाई इंटेंसिटी की लाइट इसके रिएक्शन को या इसकी एक्टिविटी को कम करना कर दे, या इसे जो क्लोरोफिल है उसको उसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए या ब्रेक ना हो जाए या एक्टिविटी लॉस ना हो जाए उसकी, तो इसे रोकते हैं, इसे बचाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि सेंटर ऑफ रिएक्शन इट फॉर्म क्लोरोफिल ए फॉर्म सेंटर ऑफ रिएक्शन। सेंटर ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, देन यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या एक्साइट होते हैं। जब ये हाई इंटेंसिटी की लाइट इन पिगमेंट्स पे पड़ती है तो ये जिगजैग मैनर में और डिफरेंट पिगमेंट से होते हुए तब क्लोरोफिल पे जाता है, देन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और ये एब्जॉर्ब करके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है फॉर इमिटिंग ऑफ या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इमिशन में हेल्प करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो जाती है ये अपने ऑर्बिट से जंप कर जाते हैं और जंप करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है, देन फिर अदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन डाउन स्ट्रीम मूवमेंट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन ETS, देन फर्दर यहाँ पे अदर प्रोसेस होती है। तो वहाँ पे हम जब लाइट रिएक्शन में जब पूरी जेड स्कीम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे कि कैसे एक्चुअली में ये पूरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कि हमारा कैसे फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस सेकंड पार्टिसिपेट कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस अब स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि कैसे एक्चुअली में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड इन लाइट रिएक्शन और कैसे फॉर्मेशन हो रहा है इनका। तो यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जितने भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट के जो थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड और इसी को ग्रेना बोला जा रहा था, थैलेकॉइड और ग्रेना डिफरेंट थैलेकॉइड। अब यहाँ पे एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे फोटोसिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल ए, देन एसेसरी पिगमेंट्स सराउंडेड बाय एसेसरी पिगमेंट्स जब यहां पे लाइट हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है और फोटोन पड़ते हैं तो वो डिफरेंट पिगमेंट से होकर तब क्लोरोफिल के पास जाते हैं ताकि इनकी एनर्जी कम हो सके, देन
600 नैनोमीटर की जब वेवलेंथ हो जाती है तब इसे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फंक्शनल हो जाता है, और फंक्शनल हो के जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसे स्टिमुलेट करता है फॉर इमिशन ऑफ लाइट, लाइट को इमिट करता है जिससे फर्दर एक्सेप्ट कर सॉरी इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जब हाई एनर्जी में हो जाते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल ने जो इसे लाइट एब्जॉर्ब जिस फोटोन को एब्जॉर्ब किया है 600 नैनोमीटर की फोटोन को एब्जॉर्ब करके देन ये एक्टिव हो जाते हैं, और ये एक्टिव होके फंक्शनल होके एलसी को स्टिमुलेट करते हैं फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इमिट जब हो जाते हैं हाई एनर्जी में हो जाते हैं तो ये अपने ऑर्बिट से निकल के जंप कर जाते हैं, जंप करते हैं तो इसे तुरंत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के से रिसीव कर लिया जाता है। देन इस समय क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अप हील बोला जाएगा, अप हील। देन फर्दर इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डाउन हील प्रोसेस में ईटीएस को ट्रांसपोर्ट करता है, ईटीएस दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इन डाउन हील मैनर में डाउनहिल ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन इन डाउनहिल मैनर, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ईटीएस फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है विद इलेक्ट्रॉन टू फोटोसिस्टम सेकेंड दैट इज 700 नैनोमीटर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग टुगेदर कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे यहाँ पे क्लोरोफिल ए सराउंडेड बाय पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे, फिर से जो 700 नैनोमीटर की लाइट को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए पे, फिर से यहाँ पे एक्साइटेड क्लोरोफिल स्टिमुलेट करता है पीए फोटोसिस्टम सेकंड 700 नैनोमीटर जिस पे है, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से जंप कर जाता है और फिर रिसीव कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है फिर से जो प्रोसेस होती है अपहील प्रोसेस होती है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू इसे फिर से रिसीव कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू रिसीव कर लिया जाता है, फिर से अप हिल प्रोसेस जो है अब इलेक्ट्रॉन को डाउन हिल मैनर में फिर से भेजती है, डाउन हिल मैनर में भेजती है इलेक्ट्रॉन को। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन को जब डाउन हिल मैनर में भेजा जाता है तब यहाँ पे एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में इस इलेक्ट्रॉन से एनएडीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। फिर फर्दर इसे एटीपी को और एनएडीपीएच को भेज दिया जाएगा इन डार्क रिएक्शन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स ऑक्सीजन बनाने के लिए कम
और कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ज्यादा करते हैं, उनका मेन एम होता है कि अपने लिए फूड प्रिपेयर करना, कार्बोहाइड्रेट बनाना, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में। अभी तक हमारा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो अभी लाइट रिएक्शन में क्या किया गया कि एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, एडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इमिट किए जाते हैं और जंप कराए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन्हें एक्सेप्ट करता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, लेकिन इसकी जो रिकवरी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से की जाती है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है इन H प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन प्लस वन ऑक्सीजन में। एक ऑक्सीजन में स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके टू प्रोटॉन, टू इलेक्ट्रॉन और वन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। अगर हमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो हमें दो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना होगा, तब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमेशा जंप किया जाता है और अपने ऑर्बिट से निकलना पड़ता है हाई एनर्जी रिसीव करके, और इस हाई एनर्जी रिसीव करके और इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या हो रहा है कि हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो मेन, जो यहाँ पे लाइट रिएक्शन में जो मेन पर्पस होता है वो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना होता है। अभी हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना है, अभी सिर्फ कौन सी प्रोसेस हो रही है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है। और इसी फॉस्फोराइलेशन, ये दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन होते हैं इन क्लोरोप्लास्ट, दैट इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या है, सिंपली ये जो प्रोसेस हो रही है इसे जेड स्कीम बोला जा रहा है, जेड स्कीम प्रोसेस। तो जेड स्कीम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जेड लाइक मैनर में है, जिगजैग लाइक मैनर में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार अप स्ट्रीम में जा रहा है, अपहिल प्रोसेस, देन डाउनहिल प्रोसेस, देन फर्दर अपहिल प्रोसेस, फिर अगेन डाउनहिल प्रोसेस। तो जिगजैग मैनर में जा रहा है, तो इसलिए जेड स्कीम इसे बोला जा रहा है। और जेड स्कीम प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे दो प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, दैट इज कि हमारा मेन फंक्शन ऑक्सीजन प्रिपेयर नहीं करना है, हमारा मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करना है। कि प्लांट्स को क्या करना है कि इस प्रोसेस के थ्रू, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के थ्रू प्रोसेस, हम कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करना है। अभी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ हाफ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ है, दैट इज इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो अब इतनी सारी, जब यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है इन जिगजैग मैनर में, जिससे कि हम एटीपी, इस इलेक्ट्रॉन से एटीपी का फॉर्मेशन कर सकें और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कर सकें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिकवरी वाटर मॉलिक्यूल से की जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया जाता है इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तो यूटिलाइज कर लिया जाता है, या जितने भी इलेक्ट्रॉन वाटर स्प्लिटिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं सब यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी प्रेजेंट है, तो प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेज दिया जाता है, ल्यूमेन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट इज यहाँ पे अगर हम एक थैलेकॉइड लें, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे अगर थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड की यहाँ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में
पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स भी बन रहे हैं, प्रोटॉन्स को ल्यूमेन में भेज दिया जाएगा। अब इसको बाहर कैसे इमिट कर दिया जाता है, क्योंकि ल्यूमेन हाई एसिडिक हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कई वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया जा रहा है फॉर एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो हर बार दो ही इलेक्ट्रॉन के स्प्लिट होने से दो प्रोटॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं। तो प्रोटॉन्स अगर हर बार रिलीज होता जाएगा और हर बार एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो जो ल्यूमेन है वो हाई एसिडिक हो जाएगा और फाइनली इतना एसिडिक हो जाएगा कि इसकी वॉल्व खुद ब्रेक हो जाएगी। ये अपने ही वॉल्व को ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनका वॉल्व ब्रेक ना हो इसके लिए इस प्रोटॉन को भी ल्यूमेन से रिमूव करा जाता है। ये नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस होगा। अभी यहाँ पे लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बाद जो डार्क रिएक्शन है ये बाद में। देन लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस होती हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दैट इज कि यहाँ पे फिर से वही इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक लीनियर, अगर इसे लीनियर कर सकते हैं तो लीनियर भी बोलेंगे। जेड स्कीम क्या है, एक नॉन साइक्लिक है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन फिर से यूटिलाइज नहीं हो रहा है या फिर से यहाँ पे नहीं आ रहा है, जो भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो पहले नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन देख लेते हैं। देन जो फोटो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन दो में कंप्लीट होती है, दैट इज वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो लाइट रिएक्शन अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें क्लोरोप्लास्ट का, तो स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और इसी को ग्रेना बोला जाता है। और ये एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू जुड़ा रहता है, स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू जुड़ा होता है। तो जितनी भी इसमें देख लेते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। फोटोफॉस्फोराइलेशन जितनी जो भी जेड स्कीम है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वापस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास नहीं आता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये इस जेड स्कीम या जिगजैग मैनर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हियर इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पीएस सेकंड, देन पीएस फर्स्ट 680 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगेन फॉर्म, अगेन ट्रांसपोर्ट इन डाउन स्ट्रीम मैनर एंड फॉर्म NADPH from NADP in the presence of NADP reductase and the enzyme. तो NADP reductase enzyme के presence में NADPH का formation हो रहा है। और यहाँ पे ETS electron transport system में, ADP और plus PI that is inorganic phosphate से एक ATP का formation हो रहा है यहाँ पे। तो ये किस manner में है, zigzag manner में, linear, और linear अगर इसे straight कर दिया जाए तो linear भी बोला जा सकता है। तो एक बार downstream, up, upstream, then downstream, then upstream, फिर further downstream में जा रहा है reaction, तो zigzag manner में जा रहा है। तो इसे non-cyclic photophosphorylation बोलेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपीट होके फोटोसिस्टम जो भी है फर्स्ट या सेकंड के पास नहीं आ रहा है, वो हमेशा अपवर्ड स्ट्रीम में या तो हो रहा है नहीं तो डाउनवर्ड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो रहा है। नाउ सेकंड इज नॉन सेकंड इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन।
साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम ल्यूमेन को देखें स्ट्रोमा लैमिनी, स्ट्रोमा लैमिनी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रोमा लैमिनी है यहाँ पे पीएस फर्स्ट नहीं होने की वजह से, पीएस फर्स्ट नहीं होता है तो यहाँ पे इतनी प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉन को पीएस फर्स्ट को ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, और ये अगेन कैसे यहाँ पे आ जाता है और कैसे एटीपी का सिंथेसिस होता है, और सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है, एनएडीपी की एच की का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।